relaxing break and spend time in nature. Replenish yourself by feeling the beauty and the ecstasy around. ओके देखो फ्रस्ट्रेशन बिल्टअप हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? ये फ्रस्ट्रेशन बिल्टअप हो रहा है। अब ये फ्रस्ट्रेशन किस किस चीज से रिलेटेड हो सकता है? अभिषेक ने एस ऑफ कप जिया को दिया, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो अभिषेक को लगता है वो रिजिड है, तो इसका फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। और उसने बोला कि ये तो रिजिड भी हो रही है, ही इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। अब जब फ्रस्ट्रेशन, देखो अभिषेक सोचता है जिया रिजिड है, पर वो उसको समझाता तो बात आगे बढ़ती, लेकिन क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन अब उसको फील हो रहा है, तो डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है, तो ही विल इफ दे विल डिसाइड टू मूव अवे। हालांकि ये पूरे साल यही होने वाला है, सो टेक अ चिल पिल गाइज, ओके? इतना ओवर एक्साइटेड मत हो जाया करिए कोई भी न्यूज मिलते ही। फ्रस्ट्रेशन बिल्टअप हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन डजेंट ओपन एनी डोर्स। हाँ, मैंने कि अगर आप फर्स्ट, अगर जिया को आपने एस ऑफ कप दिया है और उसने एक्सेप्ट नहीं किया है फॉर हर ओन रीजंस, बिकॉज शी कैन नॉट नर्चर एस ऑफ कप, शी इज नॉट इन दैट कंडीशन, तो इसमें फ्रस्ट्रेट होने की क्या बात है? टेक इट इजी, इससे तो सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। द की टू रिजॉल्विंग अ डिलेमा और सॉल्विंग अ ब्लॉक, यस ब्लॉक, एस ऑफ कप वो ले नहीं रही है, शी इज नॉट रेडी, एंड यू आर लाइक व्हाट इज दिस, व्हाई आर यू बींग सो रिजिड एंड देन गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड देन वॉट वॉकिंग अवे। दिस इज नॉट द वे हाउ यू विल नर्चर, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया है, दिस इज नॉट द वे यू नर्चर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप नीड्स टाइम, और स्पेशली जिस तरह से जिया की कंडीशन है, शी नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम। डिजॉल्विंग अ ब्लॉक, यस ब्लॉक है वहां पे कोई। इट टेक अ डीप ब्रेथ, सेंटर योर सेल्फ एंड रीग्रुप एंड यू मे अप्रोच द सिचुएशन इन अ काम वे। तो जी हाँ, बिल्कुल, अगर आप को लगता है कि कोई रिजिड बन रहा है और यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, तो या इट विल गो डाउन हिल, उसमें क्या बड़ी बात हो गई है। तो जिया का यहाँ पे अभिषेक जिया का क्या हो रहा है? एवरीथिंग स्टार्टिंग एट द बोम, लाइक एस ऑफ कप लग रहा था कि नाइन ऑफ कप्स तक जाएंगे, तो कुछ तो डेफिनेटली अच्छा हुआ होगा। अगर इस वीक से स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ है, तो ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है कि पिछले कुछ समय से थोड़ा सा जब बातचीत थोड़ी हो रही होगी, तो अच्छी चीजें हो रही थी, लग रहा था कि कुछ एक पॉजिटिव नोट पे रिलेशनशिप बढ़ रहा है उनका, है ना? नाइन ऑफ कप्स इज अ फुल विश फुलफिलमेंट का कार्ड, चीजें बहुत ब्राइट और अच्छी दिख रही होंगी, बट यहां पे आते ही लग रहा है जैसे कि नो, चीजें अच्छी तो हैं, एस ऑफ कप वाली एनर्जी है, बट रिमेम्बर जब मैंने जिया का कार्ड किया था, तो वो एस ऑफ कप के आगे नाइन ऑफ, टेन ऑफ कप्स इन रिवर्स था, वो रेडी नहीं है इसके फुल मुकम्मल आने के लिए। वो रीडिंग जाके देखिए डीपर क्लैरिटी के लिए। तो यहां पर जिया इज नॉट, जिया को क्या लगता है कि शी इज नॉट रेडी टू टेक दिस नाइन ऑफ कप्स, क्योंकि वो टेन ऑफ कप्स देख नहीं पा रही थी। अब ये टेन ऑफ कप्स का कहां से बात कर रही हूँ? पीछे वाली रीडिंग से बात कर रही हूँ, गो एंड चेक इफ यू वॉन्ट मोर क्लैरिटी। तो जिया इफ शी इज नॉट एबल टू सी कि ये चीजें जो भी आ रही है लाइफ में उसके लिए रेडी है और टेन ऑफ कप्स होगा, तो शी सेड नो आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ दिस फॉर नाउ, और उसके बाद से ये सारा ड्रामाबाजी स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, देख रहे हो ना? तो वो चीजें, एंड समबडी इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड ऑल्सो, तो वो चीजें हैं। तो रीडिंग कहाँ गलत हो गई? अगर आप वो 9 सितंबर टू दिसंबर के ही रीडिंग में रहोगे, तो गलत गलती तो होगा ही ना, हम 2024 में आ गए हैं। दोस्ती करके उन्होंने हीलिंग जर्नी अपनी छोटी मोटी स्टार्ट कर ली है, बातचीत हो चुका है, अब आगे आप भी थोड़ा आगे बढ़ जाओ। ट्रेजर चेस्ट, एन अनफोर्सीन विंडफॉल ऑफ अ न्यू अबंडेंस कम्स इन योर लाइफ। यहां वाला गाइडेंस है इनका। कुछ तो हुआ होगा यहाँ पे, क्योंकि नाइन ऑफ कप्स भी विश फुलफिलमेंट है, ट्रेजर चेस्ट है, तो कुछ तो अच्छी चीजें हुई हैं इस वीक इनके रिलेशनशिप में, इस वीक हुई होंगी या फिर लास्ट वीक की कैरी ओवर एनर्जी है। लेकिन कैरी ओवर एनर्जी यहाँ पे आगे कैरी नहीं हो पा रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बंदी है वो रेडी नहीं है इसके लिए। क्यों नहीं रेडी है? क्योंकि वो इन नाइन कप्स को चाहती, अभी वो देख नहीं पा रही है कि ये टेन ऑफ कप्स में टर्न होंगे, और उसको अभी नहीं लगता है, इसीलिए शी इज नॉट टेकिंग दिस एस ऑफ कप, और फिर से नेगेटिव लोग हावी हो जाते हैं इसके इस डिसीजन के बाद, समझ रहे हो ना? वो चीजें हैं, यही तो मुझे लग रहा है। फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। What I will do is I will check this with
by pulling the clarifiers. You readers, can we please get the clarifiers for these cards? We thank you so very much for this. Queen of Wands in reverse. And this. Kya ho raha hai yahan pe? Balance. Lovers ka card reverse mein hai. Inki energy misaligned hai. Aur balance aaya nahi hai abhi. क्योंकि ये बैलेंस का कार्ड है और ये बिफोर टैरो है, बैलेंस के पहले की सिचुएशन है. बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश हो रही है पर बैलेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा है. क्वीन ऑफ वांड्स इन रिवर्स है ये. यहाँ पे ओके देखो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है. यहाँ पे वही चीज है, एस ऑफ कप वाली बात है कि सिट ऑन मी, सिट विथ मी ऑन दिस. ये वाला कार्ड फिर से पहले वाली रीडिंग में जाओ. ये वाला कार्ड जो है दोनों की रीडिंग में रिपीट हुआ है, 10th to 20th January वाला अभी फिर से रिपीट हुआ है. तो देखो यहाँ पे ये बंदा जो है अपनी न्यू ऑफर एस ऑफ कप के ऑफर के साथ, इसको यहाँ पे चाहता है कि इसके शिप में बैठ के ये आगे चले और इन द प्रोसेस चीजें ठीक होंगी. बट शी इज नॉट एक्सेप्टिंग दिस. ये बार बार मैं आपको बता रही हूं, शी इज नॉट एक्सेप्टिंग बिकॉज वो चाहती है कि नहीं, धीरे धीरे ठीक होगी चीजें तब मैं आगे बढ़ूंगी तुम्हारे साथ. समझ में आ रहा है ना, एक ही चीज तो रिपीट हो रहा है. वॉट इज दैट यू डोंट अंडरस्टैंड गाइज? He is just, he wants her to sit in this ship and move on. She is not ready to accept it. She is not accepting this yahan pe. She is queen of wand in reverse. She is being stubborn. Jaisa ki ye lagta hai na ki ye bahut rigid ho rahi hai, mere sath ship mein nahi baith ke ja rahi hai. Kyun? Kyunki queen of wands in reverse is behaving in her own ways. Queen of wands, stubbornness. Jo ki usko bhi lagta hai ki she is being very rigid. Ye mere sath kyun nahi baith rahi hai? Why is she not accepting it? Because she is not in her elements, baba. She is not in her queen of wands element. ये बंदा जो है ना, ये क्वीन ऑफ, ये वाला मैंने पहले भी बोला है कि वो क्वीन ऑफ कप उस रीडिंग में ही एक्सप्लेन किया है, 10th to 20th January का क्वीन ऑफ वॉन्स बैक ऑफ द डेक में आई थी. ही इज लाइक ही वॉन्ट्स हर इन दिस क्वीन ऑफ वॉन्स की एलिमेंट एंड क्वीन ऑफ वॉन्स इज वेरी वाइवेशियस. बट अभी जब उसका मेंटल स्टेटस नहीं है तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट हर टू बी वाइवेशियस भाई? सो शी इज नॉट एक्सेप्टिंग. ये जो नाइन ऑफ कप्स का सपना है, क्वीन ऑफ वॉन्स इज नॉट एक्सेप्टिंग. बैलेंस आने के पहले की सिचुएशन है पर यहां पे वो बैठ नहीं रही है चेयर, इस शिप पे वो आगे नहीं बढ़ रही है. शी इज नॉट एक्सेप्टिंग इट. और जब नहीं एक्सेप्ट करी है तो बहुत सारी बातें, बातचीत स्टार्ट हो रही है. किस पे बातचीत स्टार्ट हो रही है? क्वाइट पॉसिबली जिया पे. जिया को अटैक हो रहा है ज्यादा. ये नाइन ऑफ पेंटिकल्स है ना, यहाँ पे जिया ही मुझे लगता है ज्यादा अटैक हो रही है. तो यही तो मुझे समझ में आ रहा है. यही है. कौन है ये सारे लोग? शी इज नॉट सिटिंग ऑन द शिप. यही तो लग रहा है, फ्रस्ट्रेशन बिल्टअप हो रहा है. क्यों? क्योंकि ये शिप पे नहीं बैठ रही है. बट ये ट्रेजर चेस्ट भी है यहाँ पे, पाथवे है. तो ये कुछ चीजें हैं. एक चीज जो मैं क्लियरली नहीं समझ पा रही हूँ कि ये नाइन ऑफ कप्स के साथ जो कुछ चीजें अच्छी हुई हैं इनके रिलेशनशिप में, क्या अच्छा हुआ होगा? क्या ये पास्ट की लास्ट वीक की एनर्जी है जो कि आपने मुझे तो नहीं पता है कि क्या अच्छा हुआ है. बट यहाँ पे कुछ विश फुलफिलमेंट जैसा कुछ बहुत अच्छा हुआ है. शायद फैमिली के साथ गेट टुगेदर हुआ होगा, आई डोंट नो. कुछ तो हुआ है यहाँ पे, कुछ अच्छी चीजें, कुछ बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई है. लेकिन ये जिया इज नॉट इन द फ्रेम ऑफ माइंड टू टेक दिस पॉजिटिव वाइब्स टू 10 of Cups. और फिर वहां से फिर क्या स्टार्ट होता है? बातचीत स्टार्ट हो जाती है. 10 मुंह 10 बातें बोलते हैं ना, वो चीज स्टार्ट हो गया है. फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो गया है.
एक्सपेक्टेशन क्या था कि नाइन ऑफ कप्स के बाद टेन ऑफ कप्स आएगा, राइट? बट टेन ऑफ कप्स तो मैंने आपको पहले ही की रीडिंग में बताया है ना कि जिया इज नॉट एबल टू सी दैट टेन ऑफ कप्स. टेन ऑफ कप्स अपोजिट था, वो देख नहीं पा रही थी. तो क्योंकि वो देख नहीं पा रही है, अपने एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया. फिर बातें स्टार्ट हो गई, वही चीज हो रहा है और क्या हो रहा है. शी इज नॉट सिटिंग इन दिस शिप, ही वॉन्ट्स हर टू सिट इन दिस शिप. और क्या है, यही तो रीडिंग में मुझे दिख रहा है, और तो कुछ दिख नहीं रहा है. और ये सब चीजें नहीं हो रही है तो फ्रस्ट्रेशन बिल्टअप हो रहा है. फ्रस्ट्रेशन इसीलिए बिल्टअप होता है कि आपने सोचा था कि सब चीज पूरे हो जाएंगे और फिर वहां पे डाउन हिल आप जाने लगते हो, तो वहां पे भी काफी फ्रस्ट्रेशन होता है. जब सब चीजें बहुत सब चीज बहुत अच्छी से अच्छे से चल रहा है, एंड देन अचानक से कुछ बूम, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो आप ऑफर, तो यहां पे फ्रस्ट्रेशन बिल्टअप हो रहा है. क्यों? क्योंकि हर चीज तो अच्छा चल रहा था, पर अब क्या हो गया. उस तरह की भी एनर्जी है, तो आप खुद देख लेना कि क्या हो रहा है. मैंने तो जितना समझ में आ रहा था रीड कर दिया. बैलेंस के पहले का कार्ड, लवर्स मिसअलाइंड हैं. यस, देख नहीं पा रही है वो श्री कुछ भी है क्लियरली. सो दिस इज द गाइडेंस. आई होप दिस हेल्प्स यू. इफ इट डजंट हेल्प्स यू कांट रियली हेल्प, बिकॉज दिस इज एक्जैक्टली व्हाट आई एम गेटिंग, एंड आई एम गेटिंग ओनली दिस मच. आगे की रीडिंग में देखेंगे कि क्या होता है, नहीं होता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू अगेन. टेक केयर, बाय फॉर नाउ.